जलपाईगुड़ी जिला नागराकाटा ब्लॉक के अंतर्गत नया शैली चाय बागान के जंगा लाइन से लेकर धीरा लाइन तक कच्चा रास्ता होने के कारण 2000 से अधिक लोगों की समस्या आने जाने के लिए होती है। यह रास्ता PW रोड से जुड़ती है और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। यह रास्ता बहुत दिनों से नहीं बना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं देवटी से आ रहा हूँ। तो ये रास्ता में आप लोग का क्या समस्या होता है? अरे रास्ता के बारे में तो हम लोग के लिए बहुत समस्या है। यहाँ पे गाड़ी भी नहीं घुस पाता है, ऊपर से हम लोग को मार्केटिंग करने के लिए असुविधा, प्लस हम लोग को डिप्टी जाने आने में बहुत असुविधा पड़ जाते हैं रास्ते के खराबी से। तो यहाँ पे कितने लोग आते जाते हैं? मैक्सिमम 2000। 2000 लोग? 2000 लोग। तो आप लोग रास्ता को क्या चाहते, बनाने के लिए चाहते हैं या नहीं? हम लोग के लिए तो बना ही देने से अच्छा था। क्या इस रास्ता में कोई घटना सब हुआ है कि नहीं? तो एक्सीडेंट तो बहुत हो चुके हैं, अब होते रहे हैं। इस गांव के लोग इसी रास्ता से पैदल जाते हैं और ये लोग सेंटर, हॉस्पिटल, मार्केट, सरकारी कार्यालय तथा बगान, फैक्ट्री, ऑफिस, सभी जगहों पर ये इसी रास्ता से होकर आते जाते हैं। जंगल लाइन में 200 घर और 2000 जनसंख्या है, जो कि रोज दिन इसी रास्ता से होकर आते जाते हैं। हमने कर समस्या है कि ये हमने कर मेन रास्ता है के ये रास्ता तो हमने के बखन तो सुखा रुखा में ठीक है, बरसात में बहुत तकलीफ हो वाला, जाए आवे का रास्ता पूरा एकदम कीचड़ हो जाएला, पानी मन डिर जाएला, छुआ मन के स्कूल मन जाए के बहुत असुविधा हो वाला। हम लोग का जो रास्ता इतना खराब है कि बरसात में बहुत कीचड़ हो जाता है, क्योंकि बच्चों लोग भी स्कूल जाने टाइम में बहुत असुविधा होता है, फिर गाड़ी जाता है तो गाड़ी भी फंस जाता है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग के लिए जब डिलीवरी जो होता है तो बहुत असुविधा होता है, कि जो बड़ा सामान भी होता है हम लोग के लिए तो गाड़ी घुसने नहीं सकता है, क्योंकि चक्का फंस जाने से हम लोग का माल वहीं पर उतर जाता है, तब वहाँ पर फिर हम लोग को लेबर लगाना पड़ता है, फिर ऐसे में हम लोग का डबल खर्चा हो जाता है। यह समस्या कितने दिनों से है? ये समस्या हम लोग का रास्ता के बारे में मोटा मोटे आपका 20-25 साल आसपास ये समस्या ऐसे ही हुआ है। तो इससे पहले क्या है, यह रास्ता पक्का था या कच्चा था? नहीं, इससे पहले वो पक्का था। पक्का था। इसके लिए आप लोगों ने कभी भी किसी के पास अप्लाई किया है? हाँ, अप्लाई किया था, हम लोग पंचायत समिति को भी दिया था, BDO ऑफिस समिति को भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुने नहीं, इधर कुछ किया ही नहीं अभी तक। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि यह रास्ता जल्द से जल्द बने। इसके लिए पंचायत समिति सभापति हेमंत रॉय, इसका मोबाइल नंबर 7872853266 पर दबाव बनाए रखिए। मैं सुसंती इंदवार, पश्चिम बंगाल, इंडिया अनहट के लिए।